Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are doing well. I welcome you in Husaini Public High School YouTube classes. I am your science teacher, and let's begin our first topic of unit 2, that's types of plants. So, my dear students, today we are going to learn about types of plants. आज हम सीखने जा रहे हैं कि प्लांट्स के कितने टाइप्स होते हैं। प्लांट्स के मेनली तीन टाइप्स होते हैं। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट आर ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स एंड क्लाइंबर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रीज किन को बोलते हैं। ठीक, बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बड़े प्लांट्स होते हैं और जो टॉल होते हैं यानी कि लंबे होते हैं उनको हम ट्रीज बोलते हैं। आप यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है, आप इससे देख सकते हैं। जी, ये है कोकोनट ट्री। आप देखेंगे कोकोनट ट्री बड़ा होता है, लंबा होता है, तो दैट मीन्स इसको हम ट्री बोलते हैं, कोकोनट ट्री। इसका जो स्टेम होता है वो होता है थिक एंड स्ट्रॉन्ग और ये हार्ड होता है। ठीक, आफ्टर दैट ट्रीज जो होते हैं दे कैन स्टैंड स्ट्रेट, मतलब इनका जो स्टेम होता है जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, ट्रीज का जो स्टेम होता है दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, जिसको हम ट्रंक बोलते हैं। ये इसको हम ट्रंक बोलते हैं। ठीक, क्यों इसको ट्रंक बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्ड और थिक होता है। ठीक, एंड दे कैन स्टैंड स्ट्रेट। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स में लेंगे मैंगो ट्री एंड कोकोनट ट्री। ठीक, होप आपको ट्रीज समझ आया होगा। आफ्टर दैट हम आ जाते हैं हर्ब्स एंड श्रब्स पे। बुशी प्लांट्स आकार श्रब्स, घने जो प्लांट्स होते हैं और जो ट्रीज से छोटे होते हैं उनको हम श्रब्स बोलते हैं। दे आर स्मॉलर देन ट्रीज। जैसे कि जो ग्रीन जो श्रब्स होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो होता है ग्रीन। ठीक, वो बहुत सॉफ्ट होता है और ग्रीन होता है, लेकिन वो जो ये जो श्रब्स होते हैं दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन। ठीक, जैसे कि आप मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दे के रखी है, ये है कॉटन प्लांट। क्या है? कॉटन प्लांट। ठीक, आफ्टर दैट हम हर्ब्स पे आ जाते हैं। हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स जो होते हैं वो होते हैं श्रब्स से छोटे, यानी कि हर्ब्स आर स्मॉलर देन श्रब्स। जैसे कि आपने देखा होगा स्पिनच, जिसको हम पालक बोलते हैं, या आपने मिंट के लीव्स देखे हैं, जिसको हम पुदीना बोलते हैं, वो है। दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ हर्ब्स। होप आपको हर्ब्स एंड श्रब्स समझ आया होगा। ठीक, आफ्टर दैट हम क्लाइंबर्स पे आ जाते हैं। जी, क्लाइंबर्स जो होते हैं दे कांट स्टैंड स्ट्रेट। क्यों नहीं वो स्टैंड रह सकते हैं? क्योंकि जो उनका स्टेम होता है वो बहुत ही वीक होता है। जी, एंड दे नीड सपोर्ट। ठीक है, जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दी है आपको, डायग्राम बनाई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि ये है पोल और ये है क्लाइंबर। ठीक है, ये है एग्जांपल ऑफ क्लाइंबर्स। इनको हमेशा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल्स हम लेके, जैसे कि आपने ग्रेप्स का ये देखा होगा, प्लांट देखा होगा, या वाटरमेलन का देखा होगा। होप आपको ये सारा जो टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, तीन टाइप्स के प्लांट्स है, वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।